इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय के तहत कॉमन सर्विस सेंटर ने पूरे भारत में ग्रामीण नागरिकों तक ई कॉमर्स एक्सेस को सक्षम करने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ हाथ मिलाया है। यह पहला एक खरीदार एप्लीकेशन के रूप में ONDC नेटवर्क पर CSC के ई ग्रामीण ऐप के एकीकरण को सक्षम करेगी, जिससे ग्रामीण भारत के नागरिकों को इसके व्यापक ई कॉमर्स नेटवर्क का एक्सेस मिलेगा। मैं ONDC का चीफ बिजनेस ऑफिसर हूं। तो ONDC और कॉमन सर्विस सेंटर का जो MOU हुआ है, डिजिटल मार्केट को किस तरीके प्रोवाइड करेंगे और क्या क्या प्लेटफॉर्म है इसके अंदर और कितने लोग अब तक जुड़ चुके? तो कितने लोग जुड़े हमारे साथ ये कहना मुश्किल है, पर 3 लाख विक्रेता जुड़े हैं। रोज हमारे नेटवर्क पे 2.5 लाख से ऊपर ऑर्डर होते हैं, 600 शहरों से ऊपर। तो ये नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज इस नेटवर्क से जो जुड़ रहे हैं वो CSC की ग्रामीण एप्लीकेशन है, जो ग्राहकों को मदद करेगी गाँव-गाँव में नेटवर्क से ऑर्डर करने की। तो CSC के जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं ये सिखाएंगे लोगों को कैसे इसे ऑर्डर करना है इस एप्लीकेशन के जरिए, और नेटवर्क पे जो भी विक्रेता मौजूद है उनसे वो ऑर्डर कर पाएंगे। सर, अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, 1 साल हो गया ONDC को, क्या रहता है, क्या रिकॉर्ड रहा है और किस तरीके से सक्सेस देखे जाते हैं? 1 साल का रिकॉर्ड जिस तरीके से हुआ, रिकॉर्ड तो कई तरीके के हैं। जो दिन का मैंने बताया कि 2.5 लाख से ऊपर ऑर्डर, ये एक रिकॉर्ड कहा जा सकता है। 600 शहर जो क्रॉस कर दिए ऑर्डर के लिए, ये एक रिकॉर्ड कहा जा सकता है। महीने में हमने लगभग 65-70 लाख ऑर्डर किए हैं, ये रिकॉर्ड कहा जा सकता है। तो जिस तरह से नेटवर्क बढ़ रहा है, ये उम्मीद है हमारी कि हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते नए नए कीर्तिमान बनते जाएंगे, क्योंकि इससे लोग जुड़ते जा रहे हैं। और बहुत मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो ई कॉमर्स मार्केट है बहुत सी हैं जिस तरीके हैं, तो उससे अलग क्या है आपके ये प्लेटफॉर्म पर? तो पहली बात, मेन चीज़ अलग ये है कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक नेटवर्क है, और नेटवर्क एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग जितने जुड़ते जाएंगे उतना ये नेटवर्क बढ़ता जाता है। इसमें किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति पे निर्भर नहीं है कि ये नेटवर्क को कितना बड़ा है। अब जैसे टेलीफोन का नेटवर्क है, टेलीफोन नेटवर्क जब शुरुआत हुआ था तो मुश्किल से 2-3 लाख लोगों के पास टेलीफोन था। आज 80 करोड़ लोगों के पास फोन है, और इनमें से 80 करोड़ आपको कॉल कर सकते हैं, आप 80 करोड़ लोगों को कॉल कर सकते हैं अगर आपके पास नंबर है। तो नेटवर्क एक ऐसी चीज है जो अपनी ताकत से बढ़ती है, और जितनी बढ़ती है ये बढ़त सबको प्रदान होती है। हम लोगों को कितना फायदा होगा इससे? सभी का फायदा होगा, क्योंकि आप किसी भी तरह की सर्विस हो, आप जैसे मीडिया से हैं तो मीडिया की सब्सक्रिप्शन भी इस नेटवर्क पे आ सकती है। मीडिया विज्ञापन के जरिए आगे बढ़ती है, तो आपका जो विज्ञापन की इन्वेंट्री है ये नेटवर्क पे आ सकती है। और आपका जो रीडरशिप है, आपके जो श्रोता लोग हैं, आपके एप्लीकेशन के जरिए शॉपिंग कर सकते हैं अगर आप चाहें अपनी एप्लीकेशन बनाना। तो इसमें बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज मीडिया के लिए भी मौजूद है। अमेजॉन वगैरह से कितना ही अलग प्लेटफॉर्म? अमेजॉन या कोई भी जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म में विक्रेता और ग्राहक को एक ही ऐप में होना जरूरी है। अगर दोनों ऐप में नहीं है तो उसमें कोई कॉमर्स नहीं हो पाता है। नेटवर्क का फायदा यह है कि दोनों पार्टी को एक ऐप में होना जरूरी नहीं है। ये विश्व का पहला ऐसा प्रयोग है जिसको अनबंडल्ड और इंटरऑपरेबल कॉमर्स कहते हैं। तो ग्राहक किसी भी एप्लीकेशन पर हो सकता है, विक्रेता किसी भी एप्लीकेशन पर हो सकता है, और दोनों के बीच कॉमर्स का व्यवहार हो सकता है। ये दुनिया में और कहीं नहीं। सर, पारदर्शिता नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा है और इसमें जनरली किस तरीके का फायदा मिलेगा? आपको मालूम है ONDC 1 साल पहले चालू हो गया। ONDC प्लेटफॉर्म नहीं है, नेटवर्क है। इसका मतलब है हर प्लेटफॉर्म इस पर जुड़ सकता है जिसको इंटरेस्ट है। CSC के लिए इतना बड़ा इम्पोर्टेंस क्योंकि CSC गांव-गांव में बहुत काम करता है, बहुत ऑन द बायर साइड एंड द सेलर साइड। अगर आपको मालूम हो गए, आजकल ई कॉमर्स बहुत चलता है, बट ज़्यादा तो रिच पीपल का चलता है। अगर स्मॉल टाउन में भी जिसको सोशली फॉरवर्ड लोग को फायदा ज़्यादा होता है, पेनेट्रेशन बहुत कम है। याद है हमारा फाइनेंशियल पेमेंट का भी पेनेट्रेशन ऐसे बहुत कम थे, अभी तो एकदम गांव-गांव में हर लोग तो फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं पैसा में। सिमिलरली ये गांव-गांव से डिजिटल कॉमर्स भी हो जाएगा, बट होने के लिए एक तो टेक्नोलॉजी हमने बना दिया, बट मदद करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। इसलिए CSC से हमारा ये टाइप है उसको विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर को, इसका 2 फायदा है। एक तो हर विलेज में बैठा है, दूसरा उसको एंटरप्रेन्योर। सर,
सीएससी ने आज ONDC के साथ MOU साइन किया है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को और हवा लगेगी और उड़ान भरेगा ये काम? देखिए CSC पिछले 11 सालों से काम कर रहा है, जन्म से लेकर मरण तक कुछ भी अगर आपको चाहिए तो CSC के किसी भी सेंटर पे जाके कोई भी जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक, तो बीच की भी जितनी भी चीजें होती हैं। साथ साथ अगर आपको सामान चाहिए तो CSC का ग्रामीण ऐप भी है जहां से आप सामान खरीद सकते हैं। आज ONDC के साथ में हमने टाई अप किया है तो ONDC के प्लेटफॉर्म पे जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज भी CSC के VLEs को मिलने लगेंगी, चाहे वो उसको सामान मंगाना है B2C के लिए या उसको खाने पीने का आइटम मंगाना है या टैक्सी बुक करानी है, ऑटो बुक कराना है, ये सारा काम जो अभी अलग अलग ऐप से होता था अभी एक ही ऐप की सहायता से एक ही जगह से हो जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।